हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते बेला से। तो बेला जो है वो एक स्टोरी डालता है इस साल की तीसरी और फाइनल मिक्स टेप बहुत जल्द। तो अब बात कर लेते रफ्तार के बारे में। तो रफ्तार ने एक स्टोरी डाली है एक कैमरे की और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो हाइड करके रखी है। इसके अलावा रफ्तार का एक इंटरव्यू देखने को मिला है काली कार के प्रमोशन के लिए। तो उसमें रफ्तार ने इंस्टा रील्स के बारे में कुछ ऐसा कहा हुआ है। Felt like a very melodious song जो मैं अपने प्लेलिस्ट में डालना चाहूंगी। नो नो प्लीज प्लीज डोंट, ये गलत वो हो जाएगी थोड़ी बात कि हम ये नहीं कह रहे कि वो जो म्यूजिक रील पे आता है वो अच्छा नहीं होता। करेक्ट, इट हैज टू बी कैची इन सम सेंस। या वी आर सो यूज्ड टू लाइक फॉलोइंग सम पैटर्न्स। बेसिकली इंसानी दिमाग को पैटर्न समझ आते हैं, तभी कुछ भी रिपीटेटिव होता है तो वो जल्दी आसान याद होता है। पर उसकी लाइफ नहीं होती। लाइक अ सॉन्ग लाइक दिस It'll be soulful forever. That is why you keep going back to listening to Lucky Aliji and everybody. वो हमेशा रहेंगे। This is अभी, अभी की मस्ती। It is a part of an era. उसको याद होगा मैं 12वीं में था, ये गाना आया था, मैं दोस्तों के साथ गाता था, फिर मैं कॉलेज में आके गाना चेंज हो गया। अभी जो चल रहा है ये सब है कह रहा है। और कुछ भी कहता बेटा तुम भी नहीं बचोगे। बट प्रॉब्लम तब होता है जब लेबल से आपको ये आता है कि कोई ऐसे गाना दे दो जो रील पे चले। यार ऐसा कौन सा लेबल ऐसा आशीष, मैं बताऊंगी आपको बाद में। बता कोई नहीं, माइक ऑन नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज फिर आप ना क्रिएटिविटी वाइज नहीं सोच पाते ना यार। फॉर अ म्यूजिशियन इट इज नॉट कि 15 सेकंड का गाना बनाओ या 30 सेकंड का गाना बनाओ। कितने इमोशन जुड़ते हैं, कितनी मतलब फीलिंग्स होती हैं हर गाने में। सो वो आप 15 सेकंड में या 30 सेकंड में नहीं बयां कर पाते। विद द मेगा ब्यूटीफुल वॉइस, इनके नंबर तुम्हें पता है स्ट्रीम पे हमसे बहुत ऊपर है, तो ये लड़की हमारे नंबर बढ़वाने वाली है। मैंने कहा ये लाएगी व्यूज, ये लाएगी लाइक, अपने भी बढ़ेंगे फॉलोवर। लेट्स गो। शी इज बीन पेड टू शूट ऑफ समबडी फ्रॉम फायर। सो बेसिकली उसकी कॉन्सेप्ट ये थी कि लड़की सब कुछ अपना खुद संभाल लेती है, उससे पंगा लोगे तो तुम मरोगे। अब वो बेसिक इंग्लिश में मेरे को कितना अच्छा लगा कि यार इसके चक्कर में पड़ोगे तो मरोगे, और मैंने बिना सोचे बेबी मरवा के मानेगी बना। शी इज गोइंग टू गेट यू किल्ड वॉज द लिटरल ट्रांसलेशन। उसके बाद जो हुआ आप जानते ही हो। सो ये थी उसके पीछे की बढ़िया कहानी। ये आज तक मुझे मतलब मेरा बहुत मन करता था पूछने का कि माय हार्ट वाज एट द राइट प्लेस। ये अलग इंस्पिरेशन है, ये असली इंस्पिरेशन है। फैक्ट फैक्ट ये था कि मतलब यार ये फैक्ट, लड़कियों के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हें मरवाएंगी। मैंने भाई ऐसी बोल दिया ग्रामर के हिसाब से। आजकल ग्रामर बदल चुकी है। नेम द टॉप मोस्ट बेस्ट सिंगिंग आर्टिस्ट। आई कैन प्रूव दे हैव यूज्ड ऑटो ट्यून एट वन टाइम। आई कैन प्रूव इट। But Everybody, it's okay. It's an industry standard, yaar. It was just one thing that people didn't tell. Ab sab khul chuka yaar. Bilkul bindaas lagao. Sab lagao. Sab gao. It's a sound now. It's a sound now, man. Yeah. I'm alive. I mean, do it. तो अब बात कर लेते सीधे मौत के बारे में। तो सीधे मौत की जो नया अब एल्बम है वो भी 5 लाख स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुकी है। साथ ही पैंथर जो है वो सीधे मौत की एल्बम के बारे में बात करते हैं और साथ ही एमसी कोड के बारे में भी। लविंग नयाब इज अ ग्रेट ग्रेट एल्बम बट नो मदरफकर इज अ गॉड। कीप योर पर्सनल ओपिनियंस टू योर सेल्फ। यू कांट टॉक अबाउट पिसिंग ऑन हिंदू गॉड्स होली बुक्स। करोगे तो भुगतोगे। ऑल्सो सुसाइड मजाक नहीं होता, उसको तो एटलीस्ट एक्ट मत बनाओ। फक योर हिप हॉप, फक योर कल्चर, समवन हैड टू से इट। तो अब बात कर लेते राज जोन्स के बारे में। तो राज जोन्स ने कुछ पिक्चर डाली है नयाब एल्बम के लिसनिंग पार्टी से। तो अब बात कर लेते सैवेज के बारे में। तो सैवेज की एक ईपी आने वाली है जिसका नाम है किल स्विच। एनीवेज नेक्स्ट अपडेट जो है वो ड्रेक की साइड से है। तो ड्रेक ने अभी ये बताया कि लिल बेबी और ड्रेक का एक सॉन्ग आने वाला है जो कि उन्हीं के टोरंटो मैंशन में अभी शूट हो रहा है। तो देखते हैं कब तक ये देखने को मिलता है। कुछ भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।